साथियों नमस्कार। स्वर्ण भारत प्रणाम। साथियों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारत देश की मातृभाषा हिंदी है, पर क्या हिंदी भाषा का उपयोग हमारे देश में होता है? नहीं। मैं काफ़ी देखता रहा हूँ और ऑफिसों में जो प्राइवेट ऑफिस हैं वहाँ पे भी टोटल इंग्लिश और जहाँ पर जिस देश में मातृभाषा हिंदी हो और वहाँ पर हिंदी भाषा का उपयोग ना करके किसी और भाषा का उपयोग करना ये बहुत ही निंदनीय है। और हिंदी भाषा का जो अर्थ होता है वो हमें आपस में जोड़ने का प्रयास करती है। हिंदी हिंदी से हम सीख सकते हैं कि हिंदी में दो अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं। अगर वो आधा होता है तो उस आधे के साथ मिलकर एक शब्द बन जाता है। हिंदी का इससे अच्छा उदाहरण और अगर हम दें तो हिंदी का जो पहला अक्षर होता है वो आ, यानी कि जब शुरुआत होती है तो वो अनपढ़ होता है, लेकिन पूरी हिंदी आने के बाद यानी कि जब हम ज्ञा पर पहुंचते हैं तो हम लोग ज्ञान के भंडार हो चुके होते हैं। ये अर्थ होता है हिंदी शब्द का, हिंदी भाषा का। मैं इस पे दो लाइन मैंने लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हिंदी है ये भाषा जो हमें सिखाती है वतन का रास्ता। हिंदी हमें सिखाती है कि आपस में एक दूसरे के साथ रहना। इसका पहला अक्षर हमें सिखाता है शिक्षा की ओर जागृत करना, और इसका आखिरी जो अक्षर होता है वो हमें पूरी तरीके से मजबूत, शिक्षित और ज्ञानी बनाता है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, आज 14 सितंबर है और आज के दिन हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, तो मैं आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं यहां से एक मैसेज देना चाहता हूं कि लोग अपनी मातृभाषा का उपयोग करें। आप विदेशों में जाएं तो आप हिंदी में ही अपने जितने भी विचार हैं हिंदी में दें, क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप हिंदी में बोलना चाहिए आपको। मैं देखता हूं विदेशों में और कहीं भी जाते हैं तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन वहां पे हिंदी में बात करना चाहिए क्योंकि आप भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार। जय स्वर्ण भारत।